हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। आप सबका स्वागत है पारद किचन में। आज मैं केसर बादाम आइसक्रीम बनाने जा रही हूं। देखिए कितना अच्छा से सेट हुआ है ये। बहुत ही अच्छा खाने में भी लगेगा। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैंने पहले केसर बादाम बनाने के लिए एक पॉट में 1 लीटर दूध लिया है। इसे बॉयल आने देंगे। और कुछ स्लाइस ब्रेड के लिए हैं, मैंने इधर 5 स्लाइस ब्रेड के लिए लिए हैं। और इसे चारों साइड से जो ब्राउन वाला पार्ट रहता है इसको कट करके अलग कर लेंगे। देखिए कट करके अलग कर लिया है मैंने। ये 5 स्लाइस ब्रेड के हैं और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में फिर से कट कर लेना है। मैं इसे दूध में मिलाऊंगी जिससे दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। हमें ज़्यादा देर तक इसे गाढ़ा करने का वेट नहीं करना पड़ेगा। देखिए दूध में बॉयल आ चुका है। अब मुझे थोड़ा सा केसर लेना है क्योंकि ये केसर बादाम आइसक्रीम बन रहा है तो केसर तो इसमें मस्ट है। गर्म दूध इस केसर में डाल देंगे जिससे ये अच्छे से गर्म होकर इसका कलर निखर कर आएगा। जब तक हमारा दूध बॉयल हो जाएगा इसमें कलर आ जाएगा। अब दूध बॉयल हो चुका है। मैंने जो ब्रेड के टुकड़े किए थे उसे इसमें मिक्स कर देंगे। और गाढ़ा होने तक इसे पकाते रहेंगे। इससे दूध हमारा जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। देखिए केसर का कितना सुंदर कलर आया है। इसे और भी अच्छा कलर लाने के लिए हमें इधर थोड़ा सा और करना रहेगा। केसर के रेशे को लेकर इस तरह से हाथों पर मसलें जिससे इसका कलर और भी अच्छा और डार्क हो जाएगा। अब देखिए दूध भी हमारा गाढ़ा हो चुका है। इसमें मैं केसर के दूध को मिला रही हूँ। कुछ केसर के रेशे को मैं इसमें डालूँगी, पूरे रेशे इसमें नहीं डालूँगी। कुछ को मैंने रख लिया है, ये मैं बाद में बताऊँगी मैंने इसको क्यों रख लिया है। और कुछ रेशे इस कढ़ाई के अंदर ही हैं जिससे इसका कलर और भी डार्क होगा। बॉयल होते होते इसमें कलर और भी अच्छे आएगी। देखिए ये गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें मैं 1 कटोरी चीनी ले रही हूँ। चीनी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लेना होता है क्योंकि आइसक्रीम जब जमती है तो इसका मिठास थोड़ा सा कम जाता है, तो हमें इधर चीनी थोड़ा ज़्यादा लेना है। और इसे अब फिर से बॉयल करते रहना है जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाए। तो इधर देखिए गाढ़ा हो चुका है। अब मुझे गैस को करना है बंद और ठंडा होने तक इसे इस तरह मिलाते रहें। देखिए कितना सुंदर दानेदार बना है ये। अब इसे हम जार में डालकर एक पेस्ट तैयार कर लेना है। देखिए मैंने पेस्ट बना लिया। कितना स्मूथ पेस्ट बना है। और इसमें जो मेरा केसर का जो रेशा मैंने डाल रखा था वो भी बिल्कुल इसके साथ पिस चुका है, उसका भी पेस्ट बन गया है। अब इसे पैन में पलट लेते हैं। और अब इस बाकी बचे रेशे को मिला लेंगे। मैंने इसलिए इसमें पहले नहीं मिलाया था कि इसमें अब केसर के जो रेशे पहले थे वो पिस चुके हैं। अब ये रेशा जब डलेगा तो हम आइसक्रीम खाएंगे तो हमें केसर का रेशा मिलेगा। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बादाम को मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। इस बादाम को हम इसमें मिला लेते हैं। अगर आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड है तो आप कुल्फ़ी मोल्ड में भी इसको जमा सकते हैं।
और नहीं है तो आपके पास लंच बॉक्स तो होंगे ही, तो इस तरह से लंच बॉक्स में भी हम इसको जमा सकते हैं। तो मैं इधर डाल रही हूँ लंच बॉक्स में। देखिए डाल लिया मैंने। अब इस पे कुछ बादाम और छिड़क लेंगे। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट लगेगा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको अब पैक कर लेंगे लंच बॉक्स के ढक्कन से और 12 घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। देखिए मेरा आइसक्रीम का 12 घंटे हो चुका है, ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अगर इधर आइसक्रीम आपका नहीं निकल रहा है तो एक पॉट में पानी लें, उसमें इसको डिप कर दें और इस तरह से करने के बाद ये आसानी से निकल आएगा। देखिए निकल चुका है, बहुत ही अच्छे से सेट हुआ है, आपको इधर देखते ही पता लग रहा होगा। बहुत ही अच्छा खाने में भी लगेगा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।